हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनन गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी मोमोज। नॉर्मल मोमोज को हम स्टीम करके जनरली यूज़ करते हैं या खाते हैं, और स्ट्रीट स्टाइल भी ये ऐसे ही मिलते हैं, पर तंदूरी मोमोज इनसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि इन्हें पहले फ्राई किया जाता है और फिर मैरिनेट करके इन्हें अलग से स्टिक पर लगाकर सेका जाता है। अगर आपने कभी ये नहीं ट्राई किए हैं तो आई सजेस्ट आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके आखिर में जब हम इसके ऊपर ड्रेसिंग डालते हैं तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल में एक कप कैबेज लिया है, यानी कि पत्ता गोभी एकदम बारीक कटी हुई, आधा कप एकदम बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, साथ ही 1/3 कप बहुत बारीक कटी हुई यहाँ पे हमने गाजर ली है, और 1/4 कप बहुत अच्छे से मैश किया हुआ उबला हुआ कॉर्न यानी कि मक्का लिया है जिसे हमने क्रश कर लिया था। इसके बाद इसमें 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे। इतना नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक बाद में इससे अलग हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि जितना भी पानी पत्ता गोभी के अंदर है वो नमक के कारण अलग हो जाए। अगर आप कॉर्न यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 1/4 कप बहुत बारीक कटी हुई गाजर इसमें और डाल लें। मोमोज़ का डो बनाने के लिए हमने एक बोल में 1 कप मैदा लिया है, और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही 1 टीस्पून ऑयल इसमें डाला है, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का गर्म पानी हम इसमें कंटिन्यूसली डालेंगे। लगभग 1/3 कप पानी मैंने इसमें टोटल यूज़ किया है, और इसे डालते हुए हम थोड़े थोड़े बैचेस में अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। तो जो आटा हमें बनाना है वो सेमी टाइट होना चाहिए, मतलब एकदम कड़क भी नहीं होना चाहिए और एकदम नरम भी नहीं होना चाहिए। अब इस डो को हम ढककर लगभग 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे, और अब तक जो हमने 10 मिनट से पहले स्टोर किए थे वेजिटेबल्स नमक के साथ, इन्हें हम अनकवर करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बैच अपने हाथ में इन सभी सब्जियों का लेंगे और इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा का पानी है, मॉइस्चर है, उसे निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे क्योंकि जो भी मोमोज बनते हैं वो थोड़े से अंदर से मॉइस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इनमें से नहीं निकालना है। हमेशा एकदम बारीक कटी हुई सब्जियों का यूज़ करें, नहीं तो मोमोज बन नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। अब जो हमारा वेजिटेबल्स का मिक्सचर है उसमें हमने ऐड किया है 1/3 कप एकदम क्रश किया हुआ पनीर, इन्हें हाथों के बीच में क्रश किया है, 1 टीस्पून हरी मिर्ची, साथ ही 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कोथमीर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, ये बहुत टेस्टी लगता है, इसे ज़रूर डालें, 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर, और 1/2 टीस्पून सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसे डायरेक्टली भी स्टफ़ कर सकते हैं, पर ये कभी कभी कच्ची लगती हैं तो इन्हें हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा है, और इसके अंदर ये पूरा वेजिटेबल्स का मिक्सचर डालकर इसे सॉटे कर लेंगे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक। इतनी देर में आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी है, थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं, और इनका जो मॉइस्चर है वो भी कम हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी सी ये क्रंची रहे, थोड़ी सी सिकी हुई रहे, इस कंसिस्टेंसी में रहे, बस इतना ही इसे कुक करना है। तो ये अब डन है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। जो आटा हमने ढक कर रखा था वो अब तैयार है, तो इसे हम बस एक बार हल्का सा नीट करेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो हमें छोटे नींबू के आकार के पीसेस करने हैं। जो डो हमने बनाया है उसमें आप ऐसे 13 पीसेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाथों के बीच में इन्हें चपटा कर लेंगे और आगे इसे बेलने के लिए यूज़ करेंगे। अब कोई भी रोलिंग पिन ले लें, इस पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लें और उसके ऊपर एक लोया रखें, और इसे हमें बेलना है। हमें सिर्फ एक पूरी के साइज़ की जितनी बड़ी चपाती बेलनी है, और ये ध्यान रखें कि एकदम पतली हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी हुई है तो मोमोज़ खाने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से बेल लिया है। अगर ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं हो, राउंड शेप के नहीं हो, तो कोई भी कटर ले लें और कटर को इसके सेंटर में रखें, इसे प्रेस करें और आजू बाजू का जितना भी पोर्शन है उसे निकाल लें। कटर की जगह आप अपने घर की कोई भी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम राउंड पैटर्न करेंगे जिसमें हमने एक चपाती के ऊपर 2 टेबलस्पून स्टफिंग के रखे हैं, और उसके बाद हमने एक छोटा सा फोल्ड बनाया है इस तरीके से और उसे प्रेस किया है। इसके बाद हमने सेकंड फोल्ड जो बनाया है वो पहले फोल्ड के सेंटर में जाके हमने स्टक किया है, और इस तरीके से हम पूरे सर्कमफेरेंस पे पूरी मार्जिन को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से टक कर देंगे। लास्ट पोर्शन जो टक करेंगे वो पहले वाले पोर्शन के सेंटर पे करेंगे, और इसे ही हम रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा राउंड हमारा सेंटर बन जाएगा, बीच में छोटा सा गैप रह जाएगा। सेंटर में दिख रहे मार्जिन्स को हम बीच में अच्छे से प्रेस करेंगे और ऊपर से इसे हल्का सा ट्विस्ट देकर टक कर देंगे। तो ये हमारा पोटली पैटर्न का एक अच्छा सा स्टफ्ड मोमो तैयार है।
सेकंड फोल्डिंग को लीफ पैटर्न या फिर बोट पैटर्न कहते हैं। इसमें 2 टेबल स्टफिंग चपाती पे रखकर शुरू के एंड्स को हम इस तरीके से एक फोल्ड बनाकर साथ में लाएंगे और उसके बाद दोनों ही तरफ के मार्जिन्स को हम एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे। तो पैटर्न वही है कि हम जो भी फोल्ड बनाए वो पहले वाले फोल्ड के सेंटर पर जाके टक कर दें और ये हमें दोनों तरफ से करते हुए एंड तक चलना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक लीफ पैटर्न आपको मिल जाएगा। मार्जिन्स को हमेशा अच्छी तरीके से टक करिए क्योंकि आगे जाके हमें इन्हें फ्राई करना है तो ये फोल्डिंग्स खुलना नहीं चाहिए। एंड के पोर्शन को बीच में लाते हुए इस तरीके से हम टक करेंगे और ये एक हमारा लीफ पैटर्न अच्छे से तैयार हो चुका है। मैंने आधे मोमोज पोटली पैटर्न में और आधे लीफ पैटर्न में बनाए हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है, इसे हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है और मीडियम हॉट होने दिया है। तेल के मीडियम हॉट होने पर हम एक एक करके सारे मोमोज इसमें डालेंगे और उन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इन्हें डीप फ्राई होने दिया है। इनका कलर हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन होने पर ही हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। तो ये हो चुके हैं, हम इन्हें एक एक करके सारे बाहर निकाल लेंगे। तंदूरी मोमो को जनरली पहले फ्राई किया जाता है, स्टीम नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम इन्हें स्क्यूर में डालते हैं तो जो स्टीम्ड मोमो होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें पहले फ्राई किया जाता है। तंदूरी मोमो को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैरिनेट बनाना है। तो एक बोल में हमने 1/3 कप बहुत थिक अच्छे से फेटा हुआ दही लिया है, जिसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1/2 टीस्पून चाट मसाला स्वाद के लिए, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 पिंच एसोफोर्टिना यानी कि हींग, 1/4 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून अमचूर और 3 पिंच यानी कि 1/8 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऑरेंज रेड फूड कलर। इतना मैरिनेट को बहुत अच्छा कलर देगा। इसे हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बीटर या चम्मच की हेल्प से। मोमोज को कोट करने के लिए तंदूरी मैरिनेट अब बनकर तैयार है। तो हम एक एक करके सारे मोमोज को इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से इस मैरिनेट से कोट कर लेंगे। तो आप किसी भी चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों से इस तरीके से सारे मोमोज को मैरिनेट से कवर कर लें। तंदूरी इफेक्ट देने के लिए हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए कटोरी के अंदर मैंने एल्युमिनियम फॉइल को लाइन करा है और कटोरी को अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल से इसलिए कवर किया है ताकि जब हम इसके अंदर कोल्ड पीस रखें तो कटोरी को कोई डैमेज ना हो। अब इस कटोरी को हम एक बोल में रखेंगे और इसके आसपास हमने जो मैरिनेट किया है मोमोज को उन्हें रख देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स स्टोव को हम मीडियम या हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके ऊपर एक कोयले का टुकड़ा रखेंगे और इसे हमें तब तक हीट करना है जब तक कि इसमें से थोड़ी स्पार्क ना निकलने लग जाए, चिंगारी ना निकलने लग जाए और साथ ही इसका कलर थोड़ा सा वाइट और रेडिश टिंज हो जाए। कोयले को 2 से 3 मिनट इस तरीके से गर्म करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया है और जो हमारी एल्युमिनियम फॉइल्ड कटोरी थी उसके अंदर इसे रख दिया है। स्मोकी अरोमा लाने के लिए हम कोयले के ऊपर 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। जैसे ही घी डालेंगे इसके ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर से एकदम से धुआं निकलने लग गया है। तब हम इसे एक प्लेट से ढककर 45 सेकंड के लिए इसी तरह रख देंगे। 45 सेकंड के बाद जब इसे अनकवर करेंगे तो आप देखेंगे मोमोज में ये स्मोकी अरोमा बहुत अच्छे से अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। तब हम सावधानी से कटोरी को बाहर निकाल देंगे। अब हम कोई भी मेटल स्क्यूअर लेंगे, वुडन स्क्यूअर इसमें ना लें। मेटल स्क्यूअर के अंदर एक एक करके हम सारे मोमोज को इंसर्ट करेंगे और अगर आपके पास ये स्क्यूअर नहीं है तो आप डायरेक्टली पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इन सारे मोमोज को उसमें 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको तंदूरी इफेक्ट ही देगा। गैस पे अब इसे सेकने के लिए हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है और ये जो हमारा स्क्यूअर है इसे हम आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोमेंट में मूव करेंगे और इस प्रोसेस में आप देखेंगे थोड़ी देर में इसके ऊपर ब्लैक टिंज दिखने लग जाएगा और उस समय हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगभग 3 से 4 मिनट रखे हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्लैक टिंज बहुत अच्छे से आया है। बहुत इसे ओवर कुक नहीं करना है। ध्यान रखिए कि इन्हें फ्लेम के पास से ही आप रोस्ट करें तो ये जल्दी से होगा। मोमोज अब अच्छी तरीके से सिक चुके हैं तो ये अब तंदूरी मोमोज बनकर तैयार है। हम स्टोव को बंद करके इन्हें बाहर ठंडा कर लेंगे। ऐसा ही बाकी बचे पीसेस के साथ भी कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फाइनल ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। तो इन मोमोज को एक प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस और सबसे आखिर में बारीक कटी हुई कोथमीर डाली है। तो ये तैयार है हमारे स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही जूसी और टेस्टी तंदूरी और फ्राइड मोमोज। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहती है ट्राई करने के बाद तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।